जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेट्स वेट फॉर 2 मोर मिनट्स। मैं जरा ग्रुप पे मैसेज कर दूं ताकि और बच्चे जो आते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे सिग्नल्स नहीं आ रहे, काइंडली जवाब आप। अच्छा ठीक है, वो देख लेते हैं। मेरे यहाँ पे अभी सिग्नल्स नहीं आ रहे फोन में, तो अगर आप में से कोई एक जो है वो ग्रुप पे मैसेज कर दे कि ज्वाइन क्लास एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम फिर स्टार्ट करें। कौन सा सवाल? M21, M12 तो अभी हम कर रहे थे, राइट? M21 का, ठीक है देख लेते हैं उसको। M21 में मैंने आपको कहा था कि आपने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर हम फाइनली देखेंगे। इसको डिस्कस करना है। इसमें जो एक पॉइंट है कैपिटल से रिलेटेड, उसको मैंने आपसे आपको बताना था कि कैसे होगा ये। चलें जी, M21 में ये कह रहा है कि आपका अहमद, बिलाल और इरफान जो हैं वो पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, और शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 45:30:25, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बता दी गई है। और इसमें इन्होंने बात ये की है, इन्होंने रीवैल्यूएशन की बात की है। यहाँ पे फर्स्ट 3 पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको बता दिया कि इसका करना क्या है, कि गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है, रेज करके राइट ऑफ करना है। कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज टू 3 लाख, विच शैल बी शेयर बाय अहमद एंड बिलाल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इरफान इज टू बी पेड हिज इंटायर ड्यूज फोर्थविथ। पहले तो एक ये बात बताएं कि आपका रिवैल्यूएशन कितना आया, गेन या लॉस क्या आ रहा है? गेन आ रहा है, ठीक है। अहमद का आ रहा है 60,728, बिलाल का आ रहा है 40,485, और इरफान का आ रहा है 33,737। यही आ रहा है? नहीं आ रहा, क्या आ रहा है आपका? देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग है 80,000 की, और अब उसकी वैल्यू है 20,000, यानी कि 1,20,000 का गेन, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है 30,000 और मार्केट वैल्यू है 50,000। यहाँ पे क्या है, एसेट्स टू बी वैल्यूड एज या एट, यानी कि क्या है, ये मार्केट वैल्यूज है। तो आपने क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी के केस में 30 से वो आ रहा है 50 पे रेज हो रहा है, यानी कि रिवैल्यूएशन गेन है 20,000 का। इन्वेंट्री 8,000 का मार्केट वैल्यू है, 10,000 उसकी बुक वैल्यू थी पहले, ये 10,000 इसकी बुक वैल्यू है। तो इसमें आपका क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है 1,000 का, ठीक है, सॉरी 2,000 का। कितना है इन्वेंट्री? 10,000 और अब 8,000, ठीक है, 2,000 का आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उनकी मार्केट वैल्यू है 6,000 रुपए, और पहले वो थे 8,000, ये भी आपका लॉस है 2,000 का, ये काम हो गया। फिर इस पॉइंट में मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास प्रीवियसली इंश्योरेंस प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से कोई करंट एसेट मौजूद नहीं है, यानी कि जीरो वैल्यू है उसकी, बुक वैल्यू है जीरो, और अब आपने उसकी वैल्यू कितने पे रेज कर देनी है, 1,000 पे। तो एसेट क्रिएट हो रहा है, ये रिवैल्यूएशन गेन है, 1,000 का रिवैल्यूएशन गेन हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड का। फिर आपके पास क्या सिचुएशन है, लाइबिलिटीज में हम देखते हैं तो अक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से हमें कोई आइटम नजर नहीं आ रहा। ट्रेड पेबल्स इज समथिंग एल्स, ट्रेड पेबल्स और ट्रेड सप्लायर्स इज समथिंग एल्स, वो हैं जो सप्लायर्स होती है, गुड्स डिलीवर करते हैं इन्वेंट्री वगैरह के लिए, ये उसकी जो लाइबिलिटी है वो है। तो इसमें तो प्रीपेड सॉरी एक्सपेंसेस पेबल की अमाउंट शामिल नहीं होती, राइट? तो उसमें आपने कितना रेस करना था, क्रिएट करना है पेबल एक्सपेंस, यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 8,000 की और 1,250 की, राइट? 800 और 1,250, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि लॉस है, राइट? कर लिया आपने ये कंपेयर कर लिया जी। तो अब आपके पास जब आप इसको जरा करें, इस रेशियो में डिवाइड करें, आपके पास जो गेन आ रहा है 45:30:25 के रेशियो में इसको जरा डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए आपका। लेट मी, मुझे भी जरा कैलकुलेशन करने दें कि टोटल आपके पास 120 + 20 + 1 - 2 - 2 - 0.8, तो आपके पास जो टोटल रिवैल्यूएशन गेन है वो है 1,35,000, ठीक है। और 1,35,000 को आपने बेसिकली 45 + 30 + 25, राइट, 100, ठीक है, 45 / 100 × 135,
61,000। अच्छा ये पीछे थोड़ा आंसर डिफरेंट है, ठीक है 61,000 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, आपने राउंड ऑफ तो नहीं कर दिया? अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो फिर आपके पास इस तरह से आंसर आएगा। राउंड ऑफ आपने नहीं करना, तो सॉरी टोटल जो गेन है ना, रिवैल्यूएशन गेन है, वो है 1,34,950। जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, हम क्वेश्चन नंबर M21 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। तो आप लोग जरा चेक कर लें, टोटल जो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है जो कि डिवाइड करना है पार्टनर्स के दरमियान, वो आ रहा है 134,950। ठीक है, सही है, मैं यहाँ पे नोट भी करती जाऊँ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इन्होंने सवाल में कुछ बताया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में? इन्होंने न्यू PSR नहीं बताया हुआ, तो हमने क्या करना है, इरफान जो है वो रिटायर करें, राइट? ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, 45 और 30, 45:30 का रेशियो हो गया, बिल्कुल ठीक। क्या क्या नाम है इनके, अहमद बिलाल एंड इरफान, ठीक है। वर्किंग मैं बस नहीं करूंगी, और इरफान हो गया 45, 30, 25, और हम क्या करेंगे, अब हमने एज इट इज, ये हमारा ओल्ड PSR है, तो न्यू PSR के लिए हमने क्या कर देना है, 45, 30 और nil। तो यानी कि अब टोटल आपके पास ये 45/75 और 30/75, ये न्यू PSR हो गया। स्टेप नंबर टू पे आपने क्या करना था कि गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर देना था। मैं सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रही हूँ, आप उसको जरा देख लीजिएगा। बल्कि मैं काम करती हूँ कि टी अकाउंट बना देती हूँ कैपिटल का, जो स्टेप्स मैं भी क्वेश्चन में नहीं करने वो मैं यहाँ पे फिगर्स डाल देती हूँ, आप चेक कर लें, ठीक है, जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है। जी सामने को आवाज आ रही है अभी सबको? कनेक्शन का थोड़ा इश्यू आ रहा है, ठीक है, बोर्ड भी नजर आ रहा है क्लियरली, ठीक है जी। तो ब्रॉड डाउन आपके पास गिवन है 45,000, इसको जरा जल्दी से करना है क्योंकि हमें एक और क्वेश्चन कंप्लीट करना है कल वाला, और रिटायरमेंट और एडमिशन जो है इकट्ठा अगर होगा तो उसमें क्या होगा वो हमें देखना है। अच्छा मैंने आपको टोटल स्टेप नंबर टू में जो गुडविल रेज होगी वो पुराने PSR पे होगी, और वो होगी टोटल 13,500, 9,000 और 7,500, और जब गुडविल राइट ऑफ होनी है तो वो होगी न्यू PSR के ऊपर 18,000 और 12,000, यही आ रहा है सबका स्टेप नंबर टू, ठीक है। अब स्टेप नंबर थ्री में जो कि आपका रीवैल्यूएशन है, तो उसमें मैंने आपको टोटल रीवैल्यूएशन गेन कितना बताया, 134,950 जी, 134,950। इसको जरा ओल्ड PSR पे डिवाइड करें ना, आ जाना चाहिए 45, 30, 25, कितना आ रहा है, 60,728, 40,485, यही आ रहा है, यही आ रहा है। नवाज आपको क्यों नहीं आ रहा ये आंसर, वर्किंग उसमें कैलकुलेशन में एरर होगा, वैसे यही है, ठीक है।
और तीसरा के पास आ रहा है 33,737, ठीक है। सेवन थर्टी सेवन, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, अब सारा काम हमने कर लिया। स्टेप नंबर फोर में आपके पास होता है कि अगर आपके पास कोई रेवेन्यू जनरल रिजर्व है तो वो आपने ट्रांसफर करने हैं, वो हमारे पास है नहीं। और अगर आपके पास कोई करंट अकाउंट है उसको ट्रांसफर करना है, या प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होती है, राइट। तो अब आपके आपके पास आ गया आखिरी स्टेप। अब वो क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज टू 3 लाख, विच शैल बी शेयर बाय अहमद एंड बिलाल। चले कोई बात नहीं, अहमद एंड बिलाल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कैपिटल से रिलेटेड आखिरी बात क्या है कि जितना भी इरफान का ड्यू बनता है वो तो उसको हमने पे ऑफ कर देना है कैश में, यानी कि डबल एंट्री क्या बनेगी। इधर आप इरफान की बैलेंसिंग फिगर निकालें कितनी आ रही है, नसीर कैलकुलेट करें जल्दी से बताएं, बल्कि सॉल्व भी किया होगा, राइट। ठीक है, कितनी आ रही है, 66,723, वेरी गुड। इसके बारे में क्या कह रहा है कि वो तो इट हैज टू बी पेड ऑफ इन कैश। डबल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड विद 66,723 और कैश विल बी क्रेडिटेड 737। अच्छा ठीक है, 237, ठीक है, 237 ये आपके पास आ गया। अब बात ये आती है कि अगर तो इन्होंने सवाल में ये बात मेंशन ना की भी होती तो हम क्या करते, हम इसी तरह से अहमद और बिलाल की बैलेंसिंग फिगर्स निकालते और उसमें लिख देते कि जी ये हमारे आगे बैलेंस कैरेट डाउन। जरा निकालें बैलेंसिंग फिगर, अलग से कैलकुलेशन करें, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, ठीक है, अलग से जरा कैलकुलेशन करें और मुझे जरा बताएं कि अहमद और बिलाल की बैलेंसिंग फिगर्स क्या आ रही हैं। टू एटी वन, 228, ये बल्कि कैलकुलेट की भी होंगी ना, 187,485, ठीक है, 187,485। इसका मतलब ये हुआ कि टू डेट अहमद ने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और बिलाल ने इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जरा इसका टोटल बताएं। इन दोनों को जरा टोटल करें फिगर्स को, फोर सिक्स एट सेवन वन थ्री, ठीक है, 468,713। अब जाहिर सी बात है, अगर तो क्वेश्चन में और कुछ मेंशन ना हुआ था तो हम इसी फिगर को लेके यही हम लोग कैरेट डाउन में लिख देते और हम ये कहते हैं कि अब जो नई फर्म बनी है, ओरिजिनेट हुई है अहमद और बिलाल वाली, उसमें जो टोटल कैपिटल है ना वो इतना है इस डेट पे, राइट। लेकिन सवाल के अंदर उन्होंने अब ये बता दिया है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज 2,3 लाख रुपीज, ठीक है, कि अब आपके पास जो कैपिटल होगा ना फर्म का वो कितना आना चाहिए, 3 लाख रुपीज। अभी जो रेज्ड टू का टर्म इस्तेमाल किया है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ठीक है। एक सेकेंड, आर यू श्योर ये यही वाली फिगर है, एक सेकेंड, नहीं ये डिफरेंट होगा, ये अहमद और बिलाल की फिगर ठीक नहीं है। अच्छा नहीं, नसीर यही तो मैं परेशान हो गई, रेज टू का ये तो मिसलीडिंग हो जाना था, मिसलीडिंग नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताएं बैलेंसिंग फिगर्स क्या हैं इन दोनों की, अहमद और बिलाल की, पर मिसलीडिंग है काफी, 3 लाख में जो रेज टू वाली बात की है, बैलेंसिंग फिगर बैलेंस कैरेट डाउन, उसामा विदाउट बिफोर अकाउंटिंग फॉर दिस एडिशनल कैपिटल, इन फिगर्स को यूज करते हुए मुझे जरा बैलेंस कैरेट डाउन बताएं। हाँ होगा जवाब, बिल्कुल होगा, आप पहले मेरी बात तो समझ लें, जो पहली दफा पढ़े मैं उनके लिए बता रही हूँ कि अगर आप वैसी
नॉर्मल तरीके से इसी इंफॉर्मेशन को, जब भी आपके सामने टी अकाउंट में मौजूद है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैरेट डाउन निकालते हैं तो कितने आते हैं वो मुझे जरा फिगर बता दें जल्दी से। यानी कि अहमद के केस में 45,000 प्लस 13,500 और माइनस कर देंगे 101,228। ठीक है, और दूसरा बिलाल का, जिनको आता है वेल एंड गुड, लेकिन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं या जिनको काफी टाइम हो गया, उनकी रिवीजन के लिए मैं कह रही हूँ 66,67,485। ठीक है, 67, अब इस जरा इनका टोटल कर दें। इसका टोटल करें जरा, 101,228 प्लस 67,485, 168,713। ठीक है, हाँ अब सही है ना, अब मिसलीडिंग नहीं होगा। अब सवाल में वो क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड 2 रुपीज 3 लाख, रुपीज 3 लाख। अभी क्या कह रहा है कि जो नई फर्म होगी उसका अभी कैपिटल होना चाहिए 3 लाख रुपए, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 168,713। इसको आपने रेज करना है, आपने इस टोटल को बनाना है 3 लाख रुपए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अहमद और बिलाल को अब एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी उसकी, उसके लिए आप वापस टी अकाउंट में आ जाएं। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप बैलेंस कैरी डाउन के टोटल करें, तो इस तरह की आप कैलकुलेशन करें कि बैलेंस कैरी डाउन का टोटल अमाउंट आ जाए 3 लाख रुपए। और आगे उन्होंने ये बता दिया, ये जो 3 लाख है इट इज टू बी शेयर्ड बाय अहमद एंड बिलाल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि होना ये चाहिए 3 लाख का 45/75 अहमद, और इसका 30/75 होना चाहिए बिलाल का, राइट? तो ये आ रहा है आपके पास 1,80,000 और ये आ रहा है आपके पास 1,20,000। तो आपने करना क्या है, बैलेंस कैरी डाउन के अंदर जो अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू फर्म बताया हुआ है, उसको आपने पीएसआर में डिवाइड किया और आपने वो फिगर उठा के लिख दी यहां पर। अब जब आप अपना टी अकाउंट देखते हैं तो आपका बैलेंस नहीं करेगा, आपके पास या तो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, यानी कि ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, इस सिचुएशन में बैलेंस कैरी डाउन इज नॉट आवर बैलेंसिंग फिगर, ये भी उल्टा कैलकुलेशन है। तो अब बैलेंसिंग फिगर अहमद और बिलाल के केस में जहां पर आएगी उसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन में बैलेंसिंग फिगर आ रही है आपकी क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर्स का क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अब 3 लाख रुपए हो जाए, अहमद और बिलाल को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए, कैश डेबिट या बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अब जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे वो निकलेगा 78,772। ठीक है, यही आ रहा है। और दूसरा आपके पास आ रहा है बिलाल जो है वो 52,515, 52,515 रुपीज उनको एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि अब कैरेट डाउन का टोटल जो है वो टोटल 3 लाख रुपए पे आ जाए। इज दैट क्लियर? तो हमने ये देखा, अगर सवाल के अंदर उन्होंने आपको टोटल कैपिटल दिया हुआ हो उस सिचुएशन में बैलेंस कैरेट डाउन विल बी अ वर्किंग, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होगी। अब यहाँ पे एक बात जरा सुन लें, हो सकता है सिचुएशन अपोजिट हो, जिसना उस टाइम आ रही थी। हो सकता है अहमद और बिलाल, अगर हम नॉर्मल कैरेट डाउन निकालें बिफोर डूइंग एनीथिंग, हो सकता है अहमद और बिलाल का टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड आ रहा हो 4 लाख रुपए, और सवाल में ये गिवन है कि आपको कैपिटल लाना कितने पे है, 3 लाख पर लाना है। यानी कि दोनों अहमद और बिलाल ने फॉर एग्जाम्पल 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए, मतलब ये आपके पास टोटल कैरेट डाउन आता नॉर्मल सेंस में, राइट? लेकिन आपको तो करना है कैरेट डाउन को तो 3 लाख भी करना है। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि अहमद और बिलाल इन लोगों ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है फर्म में, इन्होंने अब क्या करना है, विड्रॉ करना है, राइट?
उस सिनेरियो में आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड पर आ जाएगी, और उसको भी हम क्या कहेंगे, इसमें इस सिचुएशन में कैश विड्रॉल है। ठीक है, इस तरह का सवाल आ जाएगा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, आपको नहीं पता होगा कि एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है या विड्रॉल का है, राइट, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, यस। तो वो तो आपको पता लगेगा बैलेंसिंग फिगर जहां पे निकलेगी, जो सी साइड में कमी होगी वहां पे आप कहोगे कि अच्छा अगर डेबिट साइड पे कमी है इसका मतलब है कि हमने विड्रॉइंग ड्रॉइंग करनी है, और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है उस पर्टिकुलर पार्टनर को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, हो गया आप M21। ठीक है, तो M21 में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला हुआ था और साथ ही आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, ठीक है, ऑफ अहमद एंड बिलाल नई फर्म की। तो मैं उसकी आपसे फुटिंग आपको बता देती हूँ, उसका कितना आ रहा है, टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपके आने चाहिए 334050। ये आ रहा है सबका 334050, ये है आपके पास टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ख्याल रखिएगा प्रेजेंटेशन का, क्योंकि सवाल में खास स्टेटमेंट मांगा गया है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी जो है ना वो आपके LMS पे लेके सॉफ्ट में वो अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि अगर किसी को प्रेजेंटेशन का इश्यू है तो हम उस पर टाइम ना वेस्ट करें, वो आप फिर वहां से देख लें, राइट, क्लियर है बात, आगे चलें। ठीक है, फिर हमने कल एक और क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसका हमने एक स्टेप दोबारा से करना था, कौन सा था, M12। ठीक है, अब M12 में और तो कुछ इतनी कोई बात नहीं है खास, सिर्फ एक खास बात है और वो ये है कि सवाल में ये लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू पे कैरी नहीं करना एसेट्स को, राइट, तो उसकी अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है। M17 हो गया, M14 और ये रहा M12। ठीक है, तो M12 का हमने कल स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारा से थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, स्टेप नंबर 3 पे हम दोबारा से आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, रिवैल्युएशन, और जब हमने रिवैल्युएशन किया तो हमें ये पता लगा था कि टोटल आपके पास रिवैल्युएशन गेन आ रहा है 27,000 का। तो जब रिवैल्युएशन गेन आ रहा होता है 27,000 का, तो हमारी डबल एंट्रीज क्या पास होती हैं, रिवैल्युएशन गेन है यानी कि वो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी आपके रिवैल्युएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रही होगी। ठीक है, तो आपकी डबल एंट्रीज पास होंगी, रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होगा 27,000 का, और ये जो गेन है ये आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हो, राइट, ओल्ड PSR में। ठीक है, नासिर, नजम और असिम, आपने करना है 2:1:1 में 27,000 को आपने कर देना है डिवाइड, कितना हो रहा है, 13,500, 6750, 6750। ठीक है, ये कल हमने यहां तक कर लिया था। अब सवाल पे दोबारा से आते हैं, ये काम तो रेनी केस करना ही है, आगे वो ये कह रहा है, हाउएवर पार्टनर्स अग्रीड नॉट टू कीप दीज मार्केट वैल्यूज इन द बुक्स। कहीं पे भी ये बात लिखी हुई आ जाए या ये लिखा आ जाए कि जी द रिवैल्युएशन, द इफेक्ट ऑफ रिवैल्युएशन शुड बी रिटन ऑफ, इन दोनों का मतलब क्या है, जिस तरह हम गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करते हैं क्योंकि हमें गुडविल को बुक्स में नहीं रखना होता, डिसीजन ले लिया जाता है, इसी तरह हमने रिवैल्युएशन को पहले रेज किया, रिवैल्युएशन गेन या लॉस को पहले आप बुक करेंगे और फिर आपने क्या करना है, उसको राइट ऑफ करना है। तो जिस तरह गुडविल में ये होता है, जिस तरह गुडविल के अंदर ये होता है कि आप रेज करते हो उसको ऑन ओल्ड PSR और राइट ऑफ करते हो इन न्यू PSR, तो इसी तरह रिवैल्युएशन के अंदर भी आप क्या करोगे, आपने उसको राइट ऑफ करना है, इस डबल एंट्री को रिवर्स कर देना है, लेकिन किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। इसका क्या मतलब है, गेन हुआ था यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने क्रिएट किया था,
अब आप क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। टोटल जो 27,000 है, अब आपने उसको डिवाइड करना है किसके दरमियान, कौन कौन बचा है हमारे पास, किसने, हु रिटायर्ड, नजम रिटायर्ड, तो नासिर और आसिम के दरमियान, 2:1, यही आ रहा है इसका UPSR। राइट, 2:1 ही है ना, ठीक है। ठीक है, तो फिर 27,000 आपका 2:1 में जरा डिवाइड करें, कितना आ रहा है, 18,000 और 9,000, राइट, 18,000 एंड 9,000। ठीक है, तो आपके पास क्या सिचुएशन हुआ, जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे थे इसका, तो आपने पहले अभी इसको लिख लेते हैं, तो पहले आपने रीवैल्यूएशन गेन नोट किया था 13,500, 6750 और 6750, और बिल्कुल गुडविल की तरह आपने दोबारा से रीवैल्यूएशन गेन को राइट ऑफ कर देना है, यानी कि अब आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, नासिर और आसिम का 18,000 और 9,000। ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना ले, ये कैसे समझ में आएगा, ये इतनी ढेर सारी चीजें हैं, मैं एंड में आप लोगों से समरी नोट्स शेयर करूंगी जिसमें पूरा चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का एक क्रक्स वहां पे मौजूद होगा, क्योंकि अब तो हम सारे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाते हैं उसी तरह से हम पे सिचुएशंस और सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। आई हैव गॉट एवरीथिंग अंडर वन हेडिंग, ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी, एवरीथिंग वुड बी फॉर योर डिस्पोजल, एक समराइज फॉर्म है। तो आपके पास 4,80,000, 4,80,000, बस यही इसमें एक नई सी चीज थी, बाकी सब तो आपको पता है। ठीक है, 4,80,000, 2,40,000, गुडविल को इसमें इन्होंने रेज करके राइट ऑफ नहीं करना था, राइट, तो गुडविल को रेज किया था 80, 40 और 40, फिर कल हमने क्लास खत्म करने से पहले जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और प्रॉफिट फॉर 2013 भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जरा बताएं फिगर्स, बताइएगा जल्दी से, जनरल रिजर्व की नाम मत लिखें, बस ऑर्डर में लिख देना, नासिर, नजम और आसिम के क्या क्या हैं। जनरल रिजर्व कितना बन रहा था शेयर, जी हाँ जी, जवाब नहीं आ रहे हैं, जल्दी से जरा टाइप कर दें, मेरे पास तो रिकॉर्ड पे नहीं है, 78,750, बस नजम और आसिम में से किसी एक का ही बता दें, दोनों का सेम ही रेशियो है, और प्रॉफिट जो है 177,500 और 88,750। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन हो गया PSR, स्टेप नंबर टू गुडविल का काम हो गया, स्टेप नंबर थ्री रिवैल्यूएशन गेन का काम हो गया, स्टेप नंबर फोर आपका जो रिजर्व है वो वाला काम हो गया। अब स्टेप नंबर फाइव में आप कैपिटल एडजस्टमेंट देखते हो, तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या सिचुएशन हो गया, ये काम आपने कर लिया, यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉइंग भी है, नजम टुक ओवर अ व्हीकल हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹9,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹10,000। अब सवाल ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू उठाए, तो हमने क्या करना है, देखें क्या हुआ, आपने एसेट्स को यानी कि इन व्हीकल्स को आपने क्या किया था, रिवैल्यू करके वापस से उसको बुक वैल्यू पे ले आए, है ना, ये वाला काम तो हम सबसे आखिर में कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स का कर रहे हैं,
तो जैसे ही हम ड्राइंग्स की डबल एंट्री पास करेंगे उस टाइम पे क्या हो चुका होगा, आपकी वापस से वापस व्हीकल्स वापस आपकी बुक वैल्यूज पे आ चुकी होंगी। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर उसकी ड्राइंग दिखानी है तो उसकी भी आपने किस पे दिखानी होगी, बुक वैल्यू पे दिखानी होगी। तो अनलेस अगर ऑफ कोर्स अगर आपका रिवैल्यूएशन के वो राइट ऑफ के बारे में नहीं बोलता, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हो, फिर आप कहते हो मार्केट वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ कर दिया, मार्केट वैल्यूज पे नहीं रखना बुक्स को, तो आपने व्हीकल की जो ड्रॉइंग है वो दिखानी है बुक वैल्यू पे। तो आपने व्हीकल कौन ड्रॉ कर रहा है, ये नजम, ठीक है, नजम 9000, क्लियर होगी बात। अब आपने कुछ नहीं करना, सवाल में एक दफा चेक कर लें क्या इन्होंने नए पार्टनरशिप फर्म का कोई कैपिटल बताया है कि टोटल ये होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ। तो आप सिंपली क्या कर देंगे, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देंगे, ठीक है, बैलेंस कैरेट डाउन निकाले। और यहाँ पे नजम को जी आपने पे ऑफ करना है, नजम वॉज पेड ऑफ थ्रू चेक। तो जो नजम का ये आखिरी इसमें लिखा हुआ है कि क्या होगा मोड ऑफ पेमेंट, तो जो नजम की बैलेंसिंग फिगर है उसके आगे हम लिख देंगे बैंक, और बाकियों की बैलेंसिंग फिगर्स के आगे हम लिख देंगे बैलेंस कैरेट डाउन। इज दैट क्लियर, चेक कर ले। नजम को पे ऑफ हो रहा है 4,05,875, 405,875 उसको पे ऑफ होगा, और बाकियों का जो बैलेंस कैरेट डाउन है 811,750, और आसिम का है 405,875, ठीक है, इसका भी सेम है। Is that clear? होगी बात। ये चेक कर लें एक दफा इसकी वर्किंग, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने बुक सही निकाली है, कैलकुलेट किया नहीं है, चेक कर लें, यही आ रहा है आंसर, हाँ यही आ रहा होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन है तो बता दें जल्दी से, अगर नहीं है तो फिर जल्दी से आगे चलते हैं। आज हम लोगों को रिटायरमेंट और एडमिशन इकट्ठा अगर आ जाए उसका कॉन्सेप्ट जरा करना है जल्दी से, ताकि हम कल जो है वो शुरू कर दें अपना डिसोल्यूशन और अमलगमेशन वगैरह, पे हमारे इंशाल्लाह बस इस हफ्ते के आखिर में वो खत्म हो जाएगा, और फिर मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर का, ठीक है, एडवांस पार्टनरशिप अकाउंटिंग। जी कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए जल्दी से, नहीं है तो ओके कर दें सारे, हम चलते हैं फिर आगे। ठीक है चले, जबरदस्त। आप जिनके पास ये क्वेश्चन बैंक है वो जरा निकाल लें M14, ठीक है, सही है, चलेगा, वेरी गुड, थैंक यू। अब M14 पर आ जाए, अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के ऊपर, ठीक है, ये तो हमने सिंपल सिंपल सारे कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब M14 में वो क्या कह रहा है, आसिफ नवाज एंड अल्ताफ वर एंगेज इन अ पार्टनरशिप फॉर मेनी ईयर, दे हैड बिन शेयरिंग प्रॉफिट एज फॉलोअर्स। इसमें भी उन्होंने थोड़ी सी इसको ट्विस्टेड सी वर्डिंग दे दी, ये वाला आसिफ रिसीव इक्वल टू व्हाट नवाज रिसीव, अल्ताफ रिसीव हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ऑन January 1, 2012 नवाज डिसाइडेड टू रिटायर एंड स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेज एट दैट टाइम वर इतने, फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर नवाज रिटायरमेंट प्रोसेस, ठीक है, नवाज की रिटायरमेंट के लिए आपको एडजस्टमेंट पास करनी है, उसमें आपको पता है रिवैल्यूएशन करना होता है, और इसमें भी वो कह रहे हैं कि हाउएवर पार्टनर्स एग्रीड नॉट टू कीप दीज मार्केट वैल्यूज इन बुक्स। तो हमने क्या करना है, रेज करके राइट ऑफ करना है, ये रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को पहले बुक करना है और फिर उसको रिवर्स करना है, ये नहीं हम कह सकते कि भाई छोड़ दो जो भी करना है, नहीं, राइट। नवाज का शेयर ऑफ गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹36,000, अब उन्होंने क्या बता दिया, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म के बजाय उन्होंने नवाज का टोटल शेयर ऑफ गुडविल बता दिया, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, राइट। एन आइटम ऑफ प्लांट वाज परचेज बाय द फर्म ऑन July 1, 2009 फॉर ₹40,000, हाउएवर इट वाज एरोनियसली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन रेट फॉर प्लांट इज 10% स्ट्रेट लाइन बेसिस। ये उसी तरह का सवाल है, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट भी डाला है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर दीज एडजस्टमेंट नवाज वाज पेड ऑफ थ्रू चेक, तो ऑलमोस्ट सवाल वही लग रहा है, वही चीज है, राइट। आगे वो क्या कह रहा है, देखिए उसी साल January 1, 2012 को नवाज क्या हो गए, रिटायर हो गए, और कुछ ही महीने के बाद 8 मंथ के बाद September 1, 2012 को असफंद वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर, ही ब्रॉट ₹5 लाख एज कैपिटल, ही ऑल्सो ब्रॉट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल।
अब क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स पे काम हो रहे हैं, देखिए दो डेट्स आ गई जिसमें आपके पास चेंज हो रहा है पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में, तो जैसे ही जिस डेट पे कोई भी किस्म का चेंज आएगा पार्टनरशिप स्ट्रक्चर में, आपको पता चल जाना चाहिए कि दोबारा से वही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे, रीवैल्यूएशन होगी फॉर श्योर, गुडविल की कैलकुलेशन होगी फॉर श्योर, और आपके पास आगे कैपिटल के एडजस्टमेंट हो सकता है प्रॉफिट के एरर निकले कोई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो आपके पास दोबारा से इस पॉइंट पे क्या हो गया, गुडविल का नाम आ गया, हिज प्रॉफिट शेयर वाज अग्रीड टू बी 1/6 ऑफ टोटल प्रॉफिट, और आगे क्या कह रहे हैं वो, ही विल गेट गेट हिज इंटायर शेयर फ्रॉम अल्ताफ। तो अभी अगेन ये अभी आप लोगों का टेस्ट होगा इसमें कि क्या करेंगे अगर एक इनकमिंग पार्टनर जो है ना वो किसी एग्जिस्टिंग सिर्फ एक पार्टनर से अपना शेयर ले, नो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। जी वॉइस का इशू बाकियों को भी है, सिर्फ जवाब को हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नो रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट वर कंसिडर्ड नेसेसरी, यानी कि उन्होंने चेक कर लिया कि क्या मार्केट वैल्यूज और बुक वैल्यूज डिफरेंट थी, तो उस डेट पे सवाल जवाब आया कि नहीं भाई कोई कोई डिफरेंस नहीं था, मार्केट वैल्यूज और बुक वैल्यूज सेम थी, लेकिन उन्होंने चेक जरूर करना है, राइट। फिर वो ये बता रहा है टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर द होल ईयर वॉज 1260। ये क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 1 जनवरी 2012 को भी आपका पार्टनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हुआ और बीच में एक नया पार्टनर भी आ गया, तो हमने उसी तरह से करना है ना पूरे। याद है ना मैंने आप लोग को शुरू में एक छोटी सी एग्जांपल कराई थी कि अगर बेसिक अकाउंटिंग के अंदर कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो हो कि कोई टर्म्स चेंज हो रही हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो या कोई अभी पीएसआर ही चेंज हो रहा है ना कि अब एक नया पार्टनर आ रहा है, तो पीएसआर वो डेफिनेटली चेंज, इस तरह की सिचुएशन में आपने पूरे साल को डिवाइड कर देना है पोर्शन में, तो 1260 आपका टोटल प्रॉफिट है, उसको आपने फिर देखना है कि पहले पीरियड में कितना था और दूसरे पीरियड में कितना है। ठीक है, अच्छा होल्ड ऑन, ठीक है, अच्छा फिर आपके पास क्या आ रहा है, अब वो मांग रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरे साल के बाद, और उन्होंने ये कह दिया गुडविल इज नॉट रिटेन इन द बुक्स, यानी कि आपको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस भी राइट ऑफ करना है और गुडविल भी राइट ऑफ करनी है, और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है अज्यूमिंग गुडविल इज रिटेन्ड इन द बुक्स। ऐसे ही वहां से मैंने खुद ही एक एडिशन की थी, मार्क्स के ऊपर मत जाए, मार्क्स पे डेफिनेटली आपके चेंज होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाँ ये मैंने खुद इसमें एक एडिशन की है, तो टोटल मार्क्स तकरीबन 36 होंगे। ठीक है, आपने इस सवाल को एक तो पार्ट मैंने आपको इसका होमवर्क दे देना है। अब इसमें करना क्या, ये थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है ऑफ व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है, सही है, तो इसको जरा जल्दी से अटेम्प्ट करें, हमारे पास 15 मिनट हैं क्लास के, 5 मिनट में जितना हो सकता है इसको करें। मैं फिर सोल्यूशन इसका बोर्ड पे इसका सिर्फ नोट डाउन कर दूंगी क्योंकि मुझे समझाने वाला अब इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अब थोड़ी सी टेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज आ गई, एक कैसे करेंगे उसको, जल्दी से स्टार्ट करें अपने पास, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। एक एक करके मुझे चाहें तो आप अपने स्टेप्स के आंसर मेरे से शेयर करते रहें ताकि मैं वो चेक कर लूं। स्टेप नंबर वन, अब पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होंगे इसमें दो, क्योंकि चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आ रहा है एक साल के अंदर दो दफा, तो दोनों आप जरा कैलकुलेट करें, न्यू PSR 1 न्यू PSR 2 कर दें, इस तरह कर दें, और जरूरत है हमें दोनों की। सबने करना है, मैं नहीं देख सकती, लेकिन आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस कि सब अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलेंगे। आप लोग अपने लैपटॉप पे या जिस भी डिवाइस पे देख रहे हैं आप, उस पर वो जो डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट है वो खोल रहे हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, मैं सोल्यूशन भी साथ साथ आपके साथ ही करती रहूँ, लेकिन आप लोगों ने ऊपर देख के चीटिंग नहीं करनी।
याद रखिएगा, वर्किंग जिस तरह से भी करें, इट्स एंटायरली अप टू यू, ठीक है? स्टेप्स बनाने का मकसद था आसानी आप लोगों के लिए हो जाए। चलें जी ऊपर जरा देख लें जल्दी से, यही आ रहे हैं आपके रेशोज तीनों। इसको हम ये भी कर सकते हैं 1/2, सारे ओके करते रहें। 1 जनवरी 2012 पहला पार्टनरशिप स्ट्रक्चर चेंज के टाइम पे अब आपका रेशो कितना हो जाएगा? आसिफ का 1/3 हो जाएगा, नवाज का 0 और अल्ताफ का 2/3। चलें ओके करते रहें, एंड आई होप सबका ओके आ रहा होगा। फिर 1 सितंबर 2012 के टाइम का भी अभी काम कर लेते हैं। क्या है आपका जो असफंद है, जो नया पार्टनर है, उसका तो आ रहा है 1/6, ठीक है? वो तो 1/6 ला रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि वो इंटायरली किससे ले रहा है, अल्ताफ से लेगा अपना शेयर। तो आपने करना क्या है, 2/3 उसका पुराना शेयर था, माइनस 1/6 करेंगे तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। फ्रैक्शंस में ही रहने दें साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ताकि आपके पास फ्रैक्शंस में ही आंसर आए। और आप क्या करते हो, जिस जो नॉन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसका एज इट इज रेशियो कॉपी कर देते हो। जी हमीदुल्ला, ठीक है, यही आ रहा आंसर? रेशियोज में भी प्रॉब्लम तो नहीं होता? अब हम अलग अलग न्यू में हो रहा है, क्या हो रहा है न्यू वाले में? न्यू कौन से वाला, पहला वाला है दूसरे वाला? पहले वाले में क्या मसला आ रहा है? उसमें मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि आपने पहले सिर्फ उसको डिनोमिनेटर में ना रखें, इस तरह से ना करें, ठीक है? आपके पास 1:2, 1:2 ओल्ड PSR सबका यही आ रहा होगा, ठीक है? 1:2, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओल्ड PSR 1:2, 1:2 कैसे आया, ठीक है? अल्ताफ हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव करता है, यानी कि 1/2 उसका हो गया, और जो रिमेनिंग 1/2 है, हिस्सा जो है वो किसका है फिर? आसिफ और नवाज का है। और ये दोनों भी क्या करते हैं, उस 1/2 को इक्वली अपने आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/4, 1/4, राइट?
तो 1:1:2 भी मैं इसको कह सकती हूँ। अब करना क्या है, अब हुआ ये, नवाज जब रिटायर करते हैं तो हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि उनका फिर नया कोई दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या नहीं। तो मैंने आपको कल क्या सिखाया था अमीदुल्ला, आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को उठाया एज इट इज यहाँ लिख दिया, इसको उठाया एज इट इज यहाँ लिख दिया, नवाज ने तो रिटायर किया। तो इवन दो ये लग रहा है कि सेम है, लेकिन क्योंकि अब डिनोमिनेटर चेंज हो गए, देखिए अब इन दोनों का टोटल कितना है, इन चारों का टोटल आता है 3, यानी कि अभी फ्रैक्शन बनेगा 1/3 और 2/3। इसी तरह यहाँ पे जब हम देखते हैं तो इनका टोटल आता है 4, 1/4, 1/4 एंड 2/4, तो चेंज तो हो गया ना रेशो, भले न्यूमरेटर सेम है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपका जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो सिर्फ एक है, वो आपका अल्ताफ है। असफन का उन्होंने आपको सवाल में जितना दिया हुआ है 1/6, वो आपने एज इट इज यहाँ लिख दिया। आसिफ जो है वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उसका कोई शेयर नहीं जा रहा असफन के पास। अब इस सिनेरियो में आप पूरा का पूरा रेशियो यहाँ पे कॉपी कर देंगे, सिर्फ न्यूमरेटर नहीं, ठीक है, न्यूमरेटर नहीं करना इसमें, अब आपने पूरा का पूरा रेशियो कॉपी कर देना है। फिर उसके बाद करना क्या है, अब आपके पास बचता है अल्ताफ। अल्ताफ का पुराना शेयर था 2/3, उसमें से वो 1/6 तो दे रहे हैं असफन को, यानी के 2/3 में से 1/6 उनका निकल गया, बचा कितना 3/6 या 1/2, ठीक है, चले हो गया क्लियर। अब हम एक एक करके, ऑब्वियसली पहले हमने पीएसआर तो चलो इकट्ठा हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं 1 जनवरी 2012 की, जब क्या हो रहा है रिटायरमेंट का, क्योंकि अब हमें बाकी सारे स्टेप्स अलग अलग ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अब रिटायरमेंट के केस में अब आपको पहले गुडविल का करना है, अब उन्होंने आपको क्या दे दिया, चले करें मैं चुप हूं, बस अभी 10 मिनट हैं और ठीक है जल्दी से इसको करें, वो कर रहे हैं खुद करते रहे वो। चले जी, 1 जनवरी 2012 को क्या हुआ, याद रखिएगा असफन साहब अभी तक पार्टनरशिप में नहीं आए, उन्होंने कब आना है 1 सितंबर को, 8 महीने बाद। अभी हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी की, तो आपने क्या करना है, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना है, क्योंकि सवाल के अंदर जो पहला पार्ट है वो हम ये क्या कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट गुडविल इज नॉट रिटेन्ड इन द बुक्स।
तो आपने जब जब गुडविल की अकाउंटिंग करनी है आपने साथ ही रेस करके उसको राइट ऑफ कर देना है। अब यहाँ पे उन्होंने सवाल में आपको दिया हुआ है नवाज का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नवाज का हर चीज में शेयर कितना है 1/4, तो आप टोटल गुडविल भी निकाल सकते हैं 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है 144,000। इसमें किसी को कंफ्यूजन? फिर आपने उसको रेज करके राइट ऑफ करना है, रेज करना है ओल्ड पीएसआर में 1:1:2, और राइट ऑफ करना है कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इस पॉइंट पे ये वाला न्यू पीएसआर इज एप्लीकेबल 1/3 और 2/3 में आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, सही है जी। फिर आपके पास आता है रीवैल्यूएशन, पहले सारा काम इस डेट का कर लें। जब हम रिवैल्युएशन की बात करते हैं तो रिवैल्युएशन का इन्होंने यहाँ पे बता दिया हुआ है, मैं आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इसका बता देती हूँ कि 7,500 इसका रिवैल्युएशन गेन है टोटल, ठीक है, जो आपके पास रिवैल्युएशन गेन आएगा ये कैलकुलेट करना है आपने 7,500, ये आपके पास आना है। सवाल में ये मेंशन हुआ हुआ है कि पार्टनर्स अग्रीड नॉट टू कीप दिस मार्केट वैल्यूज इन द बुक्स, तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि रिवैल्युएशन गेन है तो आपने रिवैल्युएशन अकाउंट 7,500 डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट आसिफ नवाज और अल्ताफ का क्रिएट करना है 1:1:2 में, ठीक है। 7,500 को जरा डिवाइड करें इसको, होल्ड ऑन रिवैल्यूएशन 1875 3750 1875, ठीक है 1875 और 3750, तो ये आपने कर दिया रेज, और अब उसकी राइट ऑफ की डबल एंट्री, इसको अब आपने राइट ऑफ करना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल अकाउंट आसिफ और अल्ताफ 1/3 2/3, 7,500 को आपने अब इस रेशियो में डिवाइड कर देना है। ठीक है, और डबल एंट्रीज की बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,500, ठीक है। अच्छा एक काम ही करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, आज से खत्म नहीं होगा, आप एक काम ही करें पार्ट ए में जितना भी आपके साथ हो सकता है ना इसको अटेम्प्ट करें, कल हम इंशाल्लाह इसको यहीं से पिक करेंगे ताकि कैलकुलेशंस में टाइम ना जाए, अभी वो तो सारी सारी वो वाली कैलकुलेशंस है। पार्ट नंबर आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इसका जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है वो करना है, ठीक है, वो आपने करना है। तो पार्ट नंबर स्टेप नंबर 4 में जो हम करते हैं प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, और फिर यहाँ पे आपके कोई गुडविल वो है रिजर्व्स आपके कोई भी नहीं है ना, ठीक है, इसमें इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ रिजर्व वगैरह, लेकिन आपने ये चीज जब पता कर ली कि प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है या ओवर स्टेटेड है, तो आप जरा दिमाग लगाएं, आप जरा ये सोचें कि क्या इसके इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है पिछले वाले क्वेश्चन से, वो ये है कि पिछले सवाल में इन्होंने आपको जनरल रिजर्व भी दिए हुए थे, उन्होंने आपको 2013 का प्रॉफिट भी दिया हुआ था, तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम जनरल रिजर्व से प्रॉफिट की फिगर एडजस्ट किया और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे सब चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है पिछले सालों के भी, और इस साल का तो खैर हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इस साल का तो हमने अभी कैलकुलेट ये किया हुआ है, हमने उसको अभी क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम क्या करेंगे, पिछले सालों का जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई जनरल रिजर्व मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक आपका प्रॉफिट एरर निकलता है, तो पहले तो आप वो प्रॉफिट एरर उसी तरह से निकालें जैसे हमने कल अटेम्प्ट किया था कि ओवर वैल्यूड था उस साल का प्रॉफिट या अंडर वैल्यूड था, अब उसको किस फिगर से ऐड या लेस करें और फिर उस फिगर को डिवाइड करें वो तो मौजूद ही नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने सीधा सीधा इस पर्टिकुलर एरर का जो इम्पैक्ट है वो डेबिट या क्रेडिट कर देना है आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैसे करना है वो फिर कल ही करते हैं क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे इसको भी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में काम क्या करना है, आपने स्टेप नंबर 4 के लिए जो एरर इन प्रॉफिट है
प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट करनी है, जैसे हमने कल की थी, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड था प्रॉफिट, ज्यादा करना है, कम करना है, ऐड करना है, लेस करना है, वो एटलीस्ट फिगर्स आप निकाल लें, ठीक है? और अगर हो सकता है तो सवाल अटेम्प्ट करके देखें, ठीक है? वरना फिर कल हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये दो सिचुएशन है आपकी डिफरेंट डेट्स पे, सेम ईयर लेकिन डिफरेंट डेट्स पे अगर आपकी दो चेंजेस आ रहे हो, रिटायरमेंट और एडमिशन। कल फिर मैं एक जल्दी से गो थ्रू करूंगी, एक तो इसका पार्ट बी मैंने आपको बताना है कि अगर गुडविल हम रेज रखते हैं, रिटेन रखते हैं बुक्स में, तो इट्स नॉट एज सिंपल एज यू इट लुक्स, ठीक है? इसके अंदर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आ जाएंगे ऐसे सवाल के ऊपर, उसके अंदर भी मैं आपको जो मेन चीज है वो इंशाल्लाह बता दूंगी। और वो अगर कल टाइम हुआ तो फिर ठीक है, एमल्गमेशन स्टार्ट कर देंगे, डिसोल्यूशन, और अगर नहीं हुआ तो फिर परसों से इंशाल्लाह, ठीक है? तो तसल्ली से, बिल्कुल तहमुल से, आराम से सारी चीजें समझ के हमें करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है? और फिर एट द एंड ऑफ, हो सकता है कल ही मैं आपको एक छोटा सा समरी टाइप का बता दूं। जैसे हमने गुडविल के अंदर क्या किया हुआ है, हमने गुडविल में दो ट्रीटमेंट पढ़ी हुई, गुडविल रेज करके राइट ऑफ करना और रिटेन करना बुक्स में। इसी तरह स्टेप नंबर थ्री पे हमारे पास आता है रिवैल्युएशन। रिवैल्युएशन में भी अब हमने दो सिनेरियोस पढ़ लिए, राइट? कि अगर रिवैल्युएशन को रिटेन करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम रिटेन रखते हैं, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो बोल देता है कि आपने मार्केट वैल्यूज को नहीं लेकर आना बुक्स के अंदर। ये दो सिचुएशंस हमने पढ़ ली। फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि प्रॉफिट में अगर एरर होता है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है? और हमने अब ये पढ़ना है कि, और हमने एक और चीज पढ़ ली कि या तो आपका बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि सवाल में उसने आपको टोटल रिवाइज कैपिटल नहीं दिया हुआ, या हमने अभी वो 3 लाख वाला जो सवाल किया था M21, उसमें हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल की उन्होंने हमें फिगर बता दी है कि कैरी डाउन का टोटल ये आना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा। तो वो इंशाल्लाह एक फ्लो चार्ट टाइप का मैं बना दूंगी। ये सारे सिनेरियोस किसी भी चीज में हो सकते हैं, रिटायरमेंट में भी, एडमिशन में भी, खैर यही दोनों है सिर्फ, ठीक है? किसी भी सिनेरियो में ये हो सकते हैं। आप ये मत समझे कि M21 जो हमने 3 लाख वाला कैपिटल, कैरेट डाउन कैपिटल जो फिक्स कर दिया था, वो हमने सिनेरियो पढ़ा रिटायरमेंट में सिर्फ, तो सिर्फ रिटायरमेंट में होगा। एडमिशन में भी ये कह सकते हैं कि नया पार्टनर आया फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने ये बता दिया कि द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी 5 लाख रुपीज, तब आपको उसमें भी यही सिनेरियो करना है, ठीक है? तो चेंजेस इन स्ट्रक्चर की अगर आप नोट करो, एटलीस्ट एडमिशन और रिटायरमेंट के मोर और लेस सेम स्टेप्स ही होते हैं, ठीक है? डिसोल्यूशन का और अमलगमेशन का उसमें भी सिमिलैरिटीज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह उस टाइम करते हुए कर लेंगे, ठीक है जी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इस सवाल को जितना कर सकते हैं करें, बाकी वैसे हमने इसको कल देखना है, ठीक है? पार्ट बी भी इसका मैंने आपको बताना है। पार्ट बी में सिर्फ गुडविल के ही स्टेप को मैं दोबारा करूंगी, बाकी रिवैल्युएशन वगैरह तो सेम ही है जी। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें, कोई कोई चीज क्लियर ना हो, कोई अगर हॉस्पॉच लग रहा है तो बता दें, अभी क्लियर आउट कर लेते हैं उसको जी। जिनकी एफ आई आर 2 की क्लास है वो जा सकते हैं। ये M14 है बिल्कुल, ठीक है? अगर किसी भी पॉइंट पे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन वो लोग जो कि रिकॉर्डिंग पे रिलाय कर रहे हैं और सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, मुझे कभी भी मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, हम इंशाल्लाह उसको कर लेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट कितने बनेंगे? एक ही बनाना है ना, कैपिटल अकाउंट ही बनाना है सिर्फ, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अब कैपिटल अकाउंट में कितने कॉलम्स होंगे? 4, आसिफ, नवाज, अल्ताफ और अस्फन। बिल्कुल, ये क्वेश्चन LMS पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। इनका नाम है शायद पैक ओल्ड क्यूबी ऐसे करके है, ठीक है? चलें, और कोई सवाल? चलें ठीक है, फिर इजाजत दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।